दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक समस्या होती है इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ, वो होती है नोट्स की। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में आते नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए और उन गलतियों से बचिए जो गलतियां आप अमूमन एग्जामिनेशन हाल में करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट, ये संपूर्ण दोस्तों आपको प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर जो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो कहां से प्रश्न बनेगा सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो हमारी क्लासेस चलती है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए। झारखंड पीजीटी का डेट आ गया है तो यथाशीघ्र आप लोग एडमिशन लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट की प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल है। मध्य प्रदेश सेट के लिए भी क्लास अवेलेबल है। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की क्लासेस अवेलेबल है। अलग अलग बैच है और आपके बैच के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस मात्र 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सिंपली आपको 2000 रुपए इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सेम नंबर नीचे आ रहा है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। इनकेस अगर जो आप ऐसे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों अपने सेशन की तरफ। और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न जो है वो होने वाला है कि आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का मतलब क्या, तकनीकी परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन श्रम, पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर कुछ लोग ये बोल रहे हैं और कोई, तो इजी सी बात है। देखिए बहुत आसान सी बात है, प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं लेकिन है बहुत आसान। आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी जो होता है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है ना कि अगर जो कोई देश आर्थिक वृद्धि कर रहा है तो आर्थिक वृद्धि करने का सबसे जो प्रमुख सूचक होता है वो यही होता है कि वो राष्ट्र जो है वो तकनीकी परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉरी, तकनीकी परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसकी विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये तो बात भैया 100% सही है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन अर्थात अगर जो आप टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करते हैं तो श्रम, पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर जो आप अच्छी टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो कम श्रमिक लग करके ही ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, आपको ज्यादा पूंजी क्या कर सकते हैं कि आप ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा पूंजी कमा सकते हैं, अर्थात आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं।
और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये बात आपको इजी सी है, समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे भैया यही तो हम कहते हैं ना कि अगर जो कोई राष्ट्र आर्थिक वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने आप को तकनीकी में कितना विकसित कर रहा है, और जब वो तकनीकी में विकसित करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो उसे लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी, जैसी बात है। अगला प्रश्न, सीगर प्रेबिस सिद्धांत के अनुसार, प्रेबिस सीगर का की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे, चलिए बता दीजिए सर। ठीक है, प्रेबिस सीगर की थ्योरी आप जानते होंगे, बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, दोस्तों एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच से सेशन ज्वाइन करते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रेबिस सीगर, क्या बोलते हैं प्रेबिस सीगर साहब, क्या बोलते हैं, देखिए कम विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात के कारण व्यापार स्थिति में सुदीर्घकालीन ह्रास से कल्याण में हानि उठा रहे हैं। भैया प्रेबिस सीगर के बारे में आप पढ़ते हैं, प्रेबिस सीगर क्या कहते हैं कि अगर जो एक अल्प विकसित देश, अगर जो एक अल्प विकसित देश है और वो विकसित देश से व्यापार कर रहा है, वो किससे व्यापार कर रहा है, विकसित देश से व्यापार कर रहा है, तो ये जो अल्प विकसित देश होगा ना वो अपने कच्चे माल अर्थात जो उस देश में जो प्राथमिक संसाधन होंगे अर्थात उस देश के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राथमिक संसाधन है, उसको ये क्या करेगा, अल्प विकसित देश किस वो भेजेगा कहाँ पे, विकसित देशों में, और ये देगा कच्चे माल के रूप में, और इस कच्चे माल से विकसित देश अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करेगा, उत्पादन करके और फिर इसी को ये क्या कर देगा, वापस कर देगा या विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था में बेच देगा। तो ऐसी स्थिति में ये दीर्घ काल में ये जो अल्प विकसित देश होंगे इनके यहाँ जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कम होने लगेंगी, और देश में क्या हो जाएगा, देश में केवल व्यापार कल्याण से क्या होगी, देश को हानि होगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है भाई बता दीजिए, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भैया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिंग साहब की बात करें तो वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति की बात करते हैं ना, पीएक्स अपन पीवाई की बात करते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। प्रेबिस साहब क्या बोलते हैं, हरासमान व्यापार की स्थिति बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जब एक अल्प विकसित देश विकसित देश से व्यापार करेगा तो व्यापार की शर्तें क्या होगी, प्रतिकूल होंगी अल्प विकसित देशों के लिए। मार्शल आपूर्ति वक्र की बात करते हैं, देयर इज नो डाउट। और वालरस साहब जो है दोस्तों ये राशिपातन से संबंधित नहीं है, वालरस जो है वो किससे संबंधित है, सामान्य संतुलन से संबंधित है, सामान्य संतुलन। और इसमें ये क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी यूनिट है सभी क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, सॉरी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आज का सेशन थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, आज का सेशन थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है सर, इस बात को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्रश्न में क्या है गहराई है, अगर जो चीजों को समझ पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बता दीजिए भाई कि विशिष्ट शुल्क जो होता है ये मात्रा पे आधारित होता है, देयर इज नो डाउट।
विशिष्ट शुल्क का उदाहरण क्या है? पनीर है, ठीक है। जब पनीर आप लेते हैं तो केजी में लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं, तो भार के आधार पर अर्थात तो वजन के आधार पे जब टैक्स लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट शुल्क बोला जाता है, और पनीर जो होता है वो विशिष्ट शुल्क का उदाहरण होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर जो हम आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता व्यापार की अनुपस्थिति। अरे सर बात को समझिए, यहाँ पे आत्मनिर्भरता में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार अनुपस्थित होता है हम ये नहीं कह सकते हैं। अगर जो कोई देश आत्मनिर्भर है तो इस जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। कोई देश जो है अगर जो आत्मनिर्भर है तो इसका मतलब यह है कि उस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुपस्थित होगा, मतलब हम किसी दूसरे देश से आयात नहीं करेंगे, हम चाइना से आयात नहीं करेंगे, हम रशिया से आयात नहीं करेंगे, हम जर्मनी से आयात नहीं करेंगे, हम यूएसए से आयात नहीं करेंगे, ठीक है, हम नेपाल से आयात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से आयात नहीं करेंगे, मतलब हम दूसरे देश से कोई वस्तु अपने देश में नहीं मंगाएंगे। लेकिन व्यापार की अनुपस्थिति हो, ये अब आंतरिक व्यापार भी तो हो सकता है ना, आंतरिक व्यापार भी तो हो सकता है ना, एक राज्य दूसरे राज्य से भी तो व्यापार कर सकता है ना। तो कभी भी आपने स्लोगन सुना होगा कि कभी भी बात आत्मनिर्भर बनने की कौन करता है? प्रधानमंत्री साहब करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। कोई राज्य ये नहीं कहता है कि हमको अपने राज्य में आत्मनिर्भर बनना है, अपने राज्य में आत्मनिर्भर बनना, ऐसा नहीं कहा जाता है। बस ये कहा जाता है आत्मनिर्भर, मतलब आत्मनिर्भर का मतलब आपकी जितनी हमारी हमारे देश की जितनी भी मांगे हैं उसकी पूर्ति जो होगी वो हम खुद अपने ही देश से कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है सर बताइए? ऑप्शन नंबर, अब यहां पे ये नहीं कह रहा है कि कौन सा गलत है, ये कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, सही की बात कर रहा है ना। तो सही सुमेलित कौन होगा भाई बता दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी बोल रहे हैं सर, सबका उत्तर ठीक हो जाएगा कि एक देश की करेंसी का अन्य करेंसी के रूप में मूल्य घटना जो होता है वो मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास में हम लोग क्या करते हैं, यही देखते हैं ना, यही तो पढ़ते हैं ना कि जब मूल्य ह्रास होता है तब हमारे देश की जो बाह्य मूल्य होता है, हमारी मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि आयात जो होता है वो कम हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाह्य मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, संतुलन के बिंदु पर विनिमय दर वह है जो बनाए रखती है। चलिए भैया अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अगर जो आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना, इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, 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 क्या बोल रहे हैं? चलिए थोड़ा आराम से करिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, कोई उत्तर अभी बोल नहीं रहा, कोई उत्तर कर नहीं रहा अभी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बात कर रहा है कि संतुलन के बिंदु पर विनिमय दर, ठीक है, अमूमन जब आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे, अगर जो प्रश्न की गहराई को नहीं समझेंगे तो आप यही कहेंगे कि देखिए सर अर्थव्यवस्था में संतुलन तभी तो होता है ना कि जब आयातों का कुल मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के बराबर हो, तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। लेकिन ए जो होने वाला है
इसका बिल्कुल गलत उत्तर होने वाला है। संतुलन के बिंदु पर विनिमय दर वह दर है जो बनाए रखती है देश के विदेशी विनिमय रिजर्व में बिना किसी शुद्ध परिवर्तन के एक पूरी अवधि में भुगतान शेष में संतुलन। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा सर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो संतुलन के बिंदु पर विनिमय दर वह दर है जो बनाए रखती है किसी देश के विदेशी विनिमय रिजर्व में बिना किसी शुद्ध परिवर्तन के एक पूरी अवधि में भुगतान शेष में संतुलन को। अगला प्रश्न, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मूल्य का और कारण दे दिया गया है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत घरेलू व्यापार में चरितार्थ होता है किंतु जब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू करते हैं तो यह टूट जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है सर, बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। एब्सोल्युटली ठीक है भैया, 100% ये बात तो आपकी 100% ठीक है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, फिर आगे बढ़िए कि श्रम का मूल्य का श्रम सिद्धांत है घरेलू व्यापार में चरितार्थ होता है किंतु जब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू करते हैं तो ये टूट जाता है। अरे भैया, रिकार्डो साहब का जो ये थियरी है मूल्य का श्रम सिद्धांत, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ही तो संबंधित है। अर्थात जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यापार करेंगे तो फिर ये सही कहाँ पे हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। इतने सारे लोग जो महानुभाव ए बोल रहे हैं, क्या बहुत अच्छा बोल रहे हैं क्या? ये जो आर है वो कैसे सही हो जाएगा यार? ये कह रहा है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत घरेलू बाजार में चरितार्थ होता है, मतलब देश के जो घरेलू बाजार है यहाँ पे चरितार्थ होता है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू करते हैं तो ये टूट जाता है। अरे कहाँ होता है भैया, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ही तो सिद्धांत है ना। अर्थात जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की राष्ट्र से व्यापार करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इजी सी बात है सर, ए सही होगा, लेकिन आर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा ना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा ना। इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इजी सी बात है, और इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, है ना? इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला, सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु मूल्यों को प्रभावित करते हैं, क्या ये बात ठीक है? और मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए गए हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है, और आज के प्रश्न को पढ़ने के बाद, आज के प्रश्न को सॉल्व करते समय एक थोड़ा बहुत आपको घबराहट भी महसूस हो सकता है, क्योंकि आज थोड़े से प्रश्न कठिन है ना, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। और ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछने के प्रबल चांसेस है। आप देख रहे हैं कि जो चाहे कोई भी एग्जाम हो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो 1999 में पूछा था वही अभी भी पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी नई नई चीजों को, नए नए अच्छे अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलिवेंट है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आसान आसान प्रश्न मैं आपके सामने लाऊं और आप प्रश्नों आसान प्रश्नों को सॉल्व करके खुश हो जाएं और कहें कि सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर की बात ही अलग है। ठीक है, मैं आपको क्या है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ। पीजी लेवल के भी प्रश्न आते हैं, मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न आते हैं, और कठिन प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस इतना है कि जो परीक्षा की सच्चाई है, परीक्षा की जो सच्चाई है उससे आपको अवगत कराया जाए, है ना? अब बहुत सारे लोग के दिमाग में ये होगा कि ऐसे प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, बहुत पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, 2016 के प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिए, 2021 के प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए। क्या उत्तर होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगेन चलिए देखते हैं। सीमा शुल्क मुख्य रूप से
वस्तु मूल्यों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सीमा शुल्क, अगर जो एक सीमा से दूसरे सीमा पे कोई वस्तु जाती है तो अगर क्या होता है, सरकार जब इस पे प्रशुल्क लगाती है, अर्थात जब सरकार टैक्स लगाता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मूल्य जो होती है वो प्रभावित होती है। एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट। ठीक है। मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए गए हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए गए हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। थोड़ा आराम से देखिएगा इस प्रश्न को सर, आराम से देखिएगा। मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए गए हैं कि वो आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी परिणाम, परिणाम नहीं होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मात्रा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे परिणाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मात्रा होना चाहिए। सर देखिए, थोड़ी सी समस्या होगी, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी बात ऐसी है जो आपको समझना है, और फिर प्रश्न जो होगा वो पूरा गलत हो जा रहा है। जब हम मात्रात्मक प्रतिबंध लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयातित या निर्यातित वस्तु की मात्रा का निर्धारण करते हैं, उसके परिमाण का निर्धारण नहीं करते। परिमाण और मात्रा में क्या होता है, अंतर होता है ना सर, अंतर होता है ना सर। तो ऐसी स्थिति में ये तो गलत हो गया ये जो बोल रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये सही है सर, बिल्कुल ठीक है। और आर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए जाते हैं कि आयातित या निर्यातित वस्तु की मात्रा को निर्धारित किया जा सके, न कि परिमाण को निर्धारित किया जा सके। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है कि औद्योगिक रूप से उन्नत देश द्वारा प्रभावी संरक्षण उपागम को व्यवहार में लाया गया है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ठीक है तो कारण दिया गया है कि औद्योगिक देश पूंजीगत वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम दर पर प्रशुल्क लगाते हैं। प्यारा सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं और कोई ये के अलावा। चलिए तो देखिए कि औद्योगिक रूप से उन्नत देश द्वारा प्रभावी संरक्षण उपागम को व्यवहार में लाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो औद्योगिक रूप से एक सक्षम देश है वो प्रभावी रूप से संरक्षण करते हैं, देयर इज नो डाउट। और औद्योगिक देश पूंजीगत सेवाओं पर अपेक्षाकृत कम दर पर प्रशुल्क लगाते हैं, तो क्या ये बात ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है कि औद्योगिक रूप से जो उन्नत देश होते हैं, जिनके पास जिनकी अर्थव्यवस्था उद्योगों पे आधारित होती है, ये प्रभावी संरक्षण उपागम को व्यवहार में लाते हैं, देयर इज नो डाउट। ठीक है। और औद्योगिक देश पूंजीगत वस्तुओं पर अपेक्षाकृत क्या करते हैं, कम प्रशुल्क लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिबंधित करेंसी कही जाती है। प्रतिबंधित करेंसी किसे बोलते हैं भैया? प्रतिबंधित करेंसी किसे बोलते हैं बताइए। और आज के सेशन में घबराना नहीं है, आज का सेशन थोड़ा सा कठिन है ना, कठिन है, कठिन है, आज का सेशन कठिन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रतिबंधित करेंसी कही जाती है। प्रतिबंधित करेंसी से ऐसे क्या होता है सर? जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर,
बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं और कोई जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं थोड़ा सा एक बार क्लैपिंग सभी लोग के लिए कर दीजिए, एक बार क्लैपिंग सभी लोग के लिए कर दीजिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं वो इस प्रश्न में कितना नंबर पाएंगे? 0। ठीक है, क्यों 0 पाएंगे? क्योंकि प्रतिबंधित करेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसी करेंसी जो प्रतिबंधित की जानी है, यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सर वो राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रतिबंधित करेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसी करेंसी जो प्रतिबंधित की जानी है, यदि कब प्रतिबंधित की जाएगी, यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप से क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि केंद्रीय बैंक के द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? एक होता है दोस्तों मात्रात्मक साख पे नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। और साख पे नियंत्रण कितने प्रकार से होता है, गुणात्मक रूप में एक मात्रात्मक रूप में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गुणात्मक गुणात्मक रूप कौन सा है, ठीक है। चलिए बता दीजिए भैया, गुणात्मक रूप आपको बताना है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों गुणात्मक में मैं बार बार आपको बताता हूं कि गुणात्मक में मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, साथ ही साथ में क्या आता है, नैतिक दबाव आता है, ठीक है, नैतिक दबाव दबाव आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, साख स्वीकृतिकरण आता है, और मात्रात्मक के अंतर्गत बैंक दर आता है, खुले बाजार की क्रियाएं आता है, आरक्षित अनुपात आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित कदमों पर चलिए विचार कर लीजिए, और विचार करके आप ये बता दीजिए कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? विकासशील देश, भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश क्यों है, कैसे कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, कैसे कर सकते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए कि भारत एक विकासशील देश है, कैसे कहेंगे? तो आप कहिएगा कि देखिए भारत एक विकासशील देश इसलिए है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, इसलिए भारत क्या होने क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बिल्कुल। तो देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न ट्रिकी है कि विकासशील राष्ट्रों में राजकोषीय नीति के दो प्रमुख क्या है। पहला प्रमुख उद्देश्य तो यह है कि हमको तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है, ठीक है। अर्थात आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि हमको हमको क्या करना है, हमारे हमको अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाना है, अपने आधारभूत संरचना को विकसित करना है, हमें मानव के कल्याण को बढ़ाना है, साथ ही साथ में मूल्य में स्थिरता लाई जा सके। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि मुद्रा स्फीति बहुत तेजी से बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाए, तो एक और कहीं ऐसा ना हो कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जाए, ये भी ठीक है। पूर्ण रोजगार नहीं भैया, कभी भी हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। न्यायोचित वितरण भी जो है दोस्तों एक तरीके से ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो उत्तर होगा सर वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, अर्थात एक और दो होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, आज कथन और कारण वाले बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आज प्रश्न मिलेंगे कथन और कारण वाले बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, थोड़े नहीं बहुत सारे मिलेंगे। कथन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद कर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है,
और इस बार मैं दोस्तों बता दूं, अगर जो आप यूपी यूपी पीजीटी की बात करें, यूपी पीजीटी की बात करें, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको 5 से लेकर के 15 के बीच में मिल सकते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ये अंतर क्रिएट करने वाला है और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं इस प्रकार के प्रश्नों को लाता हूँ तो आप थोड़ा सा इत्मीनान से, धैर्य से प्रश्नों को करिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कठिन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आसान है ना। तो क्या उत्तर आएगा भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद कर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है, बिल्कुल ठीक है। और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण विनिवेश और रोजगार का विस्तार हो जाता है, एब्सोल्युटली 100% ठीक है भैया। अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, पैसा आपके पास ही आएगा, तो आप निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो आपका उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है ये, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है सर? इस प्रश्न में भी दम लगेगा, इकोनॉमिक्स का ज्ञान लगेगा इस प्रश्न में, है ना, ज्ञान लगेगा इस प्रश्न में, बता दीजिए भैया। ज्ञानी लोग बहुत सारे ज्ञानी हैं आप, किसको किसको लगता है कि वो ज्ञानी है? बहुत सारे ज्ञानी है ना, सब ज्ञानी है, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं तो ज्ञानी ही तो हैं और क्या। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं तो ज्ञानी ही तो आप हैं और क्या। अब कितने बड़े ज्ञानी हैं इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये ज्ञानी है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक होगा कि राजकोषीय घाटा जो होता है, इसका संबंध जो होता है वो जीडीपी से होता है। जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, जीडीपी में हम क्या देखते हैं, कुल आय को ही तो देखते हैं ना, राष्ट्र की कुल आय और कुल व्यय का को ही तो देखते हैं ना दोस्तों एक तरीके से। तो जो राजकोषीय नीति होगी वो कुल व्यय माइनस कुल आय होता है, राजकोषीय घाट सॉरी राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या होता है, ये कुल कुल व्यय मतलब जितना हमने व्यय किया उसमें से कितना हमें आय प्राप्त हुआ, कुल आय, ठीक है, यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की कृषि संपत्ति और आय की करारोपण के अनन्य रूप से संबंधित है? चलिए सर बताइए। कौन कह रहा है भाई? अरुणिमा जी बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनीता तिवारी जी बोल रहे हैं आज का सेशन बढ़िया बढ़िया रहेगा भाई, ठीक है, इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। इस प्रश्न का तो उत्तर सबको पता होगा, है ना, इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा सर जी, वो राज समिति थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की कृषि संपत्ति और आय की करारोपण से अनन्य रूप से संबंधित है? तो भैया कृषि संपत्ति और आय की करारोपण से जो समिति है वो कौन सी संबंध समिति है, राज समिति है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, अनन्य पूछ रहा है, बहुत सारे लोग इसको जघन्य पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जघन्य पढ़ लेंगे, अनन्य लिखा है, कुछ लोग को कुछ लोग इसको जघन्य पढ़े भी होंगे, तो जघन्य अपराध होता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए सर कि आय की विषमता की अवस्था में आय का वितरण होता है,
क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा सर? इतना प्यारा सा प्रश्न है, मजा आएगा, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करने में, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, जिंदगी में फिर कभी भूलेंगे नहीं भाई इस प्रश्न को करके, है ना। क्या होता है, आय की उच्च विषमता की अवस्था में आय का वितरण होता है। तो भैया जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, देखिए जब आप क्या पढ़ते हैं, जे वक्र संकल्पना पढ़ते हैं, जे वक्र संकल्पना पढ़ते हैं, तो जे वक्र संकल्पना के अंतर्गत कहा गया कि अगर जो कोई राष्ट्र जो है वो क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा, अगर जो कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करेगा तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में, अल्पकाल में सबसे पहले क्या होगा, आय की विषमता बढ़ेगी, आय की विषमता बढ़ेगी, अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो लोग अमीर हैं वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। लेकिन जब दीर्घकाल की बात होगी तो दीर्घकाल में क्या होगा कि अब जो आर्थिक विकास हो रहा है इसके कारण दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में क्या होगा कि जब आर्थिक विकास होगा तो पहले अल्पकाल में उच्च वर्ग लाभान्वित होगा, लेकिन दीर्घकाल में आर्थिक विकास के कारण जो निम्न वर्ग होगा उसे ही लाभ, उसे ही लाभ मिलेगा निम्न वर्ग को। समझ में आया कि नहीं, कोई गलत किया क्या? कोई गलत नहीं किया ना, कोई गलत किया नहीं ना। तो जितने लोग भी सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, तो जे वक्र संकल्पना के बारे में आप समझ लीजिए, एक लाइन की बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि जे वक्र संकल्पना के अंतर्गत कहा गया कि जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो ऐसी स्थिति में छोटे समय में अर्थात प्रारंभ में अर्थात अल्पकाल में जो समाज में उच्च वर्ग के लोग होते हैं अर्थात जो अमीर होता है उसको सर्वाधिक लाभ मिलता है और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। लेकिन दीर्घ काल में ये स्वतः ही दोस्तों वितरित होने लगता है और निम्न वर्ग को भी क्या मिलता है, इससे लाभ मिलने लगता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला सर, ऑनलाइन क्लास कितने बजे होती है? 7 बजे से ऑनलाइन क्लास होती है रोज। मैं 7:10 पे आ जाता हूँ, 7 बजे आप उपस्थित हो जाया करिए सभी लोग, ठीक है। क्या उत्तर होगा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब ये तो आसान सा प्रश्न है सर, ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, कोई गलत करेगा, कोई ऐसा महानुभाव है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपसे नंबर बी बोल रहे हैं, अरे डोमर मॉडल, अच्छा सर। अच्छा ये बताइए, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कहना चाहिए सर जी पहला जो है वो हैरेट डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महल नोबिस, पीसी महल नोबिस, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है वो गरीबी उन्मूलन, आठवीं पंचवर्षीय जो योजना है वो कौन सी है, मैक्स मुलर से संबंधित है, और मैक्स मुलर मॉडल, और क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, 12वीं पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास, ये सारे प्रश्न आपको तुरंत याद आने चाहिए। तो जितने लोग भी आपसे नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला, ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार करिए और सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का सही कालक्रम बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना दोस्तों एप्लीकेशन पे, तो ये जो प्रश्न है ना ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं हमने क्रम से ही पढ़ाई है, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, ताकि नोट्स पढ़ने की हैबिट डालिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ताकि
ताकि आपका पुराना वाला रिवीजन भी होता रहेगा और नए आप पढ़ते भी रहेंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप क्या करते हैं कि आगे का पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते जाते हैं। तो जब एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक क्रम से सारी चीजें मिलेंगी, साथ ही साथ आपको टेस्ट दिया जा रहा है ताकि आप जो गलतियां एग्जामिनेशन हाल में करने वाले हैं उस गलतियों को आप यही कर लीजिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और फिर जो गलती हो रही है उसका सुधार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ और आपको करंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एक दोस्तों स्ट्रेटेजी के मुताबिक सारी चीजें आपको दी जा रही है। अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ अन्य परीक्षाओं की भी सारी बैचेज चल रही है। अलग अलग बैचेज है और आपके बैच में अलग अलग जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। इस नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, तो 1952 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ठीक है। काम के बदले अनाज की बात करें दोस्तों तो 77-78 में शुरू हुआ था। ट्राइसेम की अगर जो बात करें दोस्तों तो ये 1979 में, और आईआरडीपी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आईआरडीपी जो है ये 1980 में, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी पहले नंबर पे दूसरा है, फिर पहला है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो भी क्लासेस हुई हैं अभी तक एप्लीकेशन पे वो सारी क्लासेस आपको एक क्रम से मिलने वाली हैं, ठीक है। शिवानी सिंह जी पूछ रहे सर कितने क्लास पढ़ा दिए हैं? जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस जो है वो आपको एप्लीकेशन पे क्रम में मिलेंगे, तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। कौन बोल रहा है भाई कि 2000 रुपए का नोट बंद हो गया? 2000 रुपए का नोट अभी अभी बंद हो गया तो फिर क्या करना होगा भाई? मेरे पास तो 2-4 पड़े हुए हैं, क्या फिर से बैंक में जाकर रिटर्न करना पड़ेगा? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में कृषि करा, कोई बात नहीं, अगर जो नोट बंद हो गई होगी तो वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना होइए। हाँ मतलब यही मतलब होता है कि अगर जो उसे प्रचलन से बंद किया जाता है तो आप जा करके क्या करेंगे कि बैंक में उसको जमा कर देंगे और बैंक आपकी 2000 रुपए वाली नोट रख लेगा और आपको क्या कर देगा, 500 रुपए की नोट दे देगा, ठीक है। और ये नोट क्यों बंद हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि 2000 रुपए का नोट प्रचलन में तो आया था, जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि 2000 रुपए का नोट आया था, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि मार्केट से आरबीआई स्वतः ही क्या कर रही है कि ये 2000 रुपए की नोट अपने तरफ खींच रही है। अब 2000 रुपए के नोट वर्तमान समय में बहुत कम लोगों के पास ही बचे हैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्या होगी नहीं, है ना। ऑलरेडी 2000 रुपए की नोट, बहुत सारी नोट जो है वो आरबीआई के पास चली गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है चलिए, क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का जो कारण है वो ये है कि कर संग्रह में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय, अर्थात जब सरकार टैक्स वसूलता है दोस्तों तो पता ही है कि उसके लिए भी सरकार को कर्मचारियों को हायर करना पड़ता है, और सारी राजनीतिक शक्तियां और सारी राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव में यही घोषणा करके आती हैं कि हम आएंगे तो किसानों के लिए कृषि ऋण जो होगा वो माफ कर देंगे, हम किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे।
ऐसी स्थिति में जो पार्टियां भी होती है वो चाहती है कि यार क्रिस्को को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अरे ठीक है यार, अभी इस बात पे आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र और इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आरबीआई लेगा ही नहीं। अरे भाई पूरा इकोनॉमिक्स तो आरबीआई की मौद्रिक नीति आपने पढ़ा है, आरबीआई लेगा क्यों नहीं, 100% लेगा आरबीआई। ठीक है, परेशान ना होइए, और आपको आरबीआई में नहीं जमा कर रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे आरबीआई में जमा करेंगे, आप आरबीआई में नहीं जमा करेंगे, आप सेंट्रल बैंक में जाएंगे, आपके पास जो भी बैंक है उन बैंकों में आप जाएंगे। ठीक है, एसबीआई में चले जाएंगे, एचडीएफसी में चले जाएंगे, आप बैंकों में जमा करेंगे, आरबीआई में जमा नहीं करेंगे। आरबीआई इन इन व्यापारिक बैंकों से और वाणिज्यिक बैंकों से ले लेगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? वीके आरबी राव जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय के आकलन से। कहाँ पे है भैया? दूसरे नंबर पे। सुखमय चक्रवर्ती साहब की बात करें तो ये विकास आयोजन से संबंधित है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलया साहब की बात करें दोस्तों तो राजकोषीय नीति से संबंधित है। कहाँ गया? यहाँ पे। और दांडेकर एवं रथ की बात करें तो निर्धनता आकलन की बात करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करेंगे। भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में भूमि की उत्पादकता कम है और कारण दिया गया कि छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी के अलावा और कोई नहीं बोल रहे है? अच्छा ठीक है, 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 ठीक है। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? भारत में कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, बिल्कुल ठीक है। प्रति हेक्टेयर दोस्तों देखिए कि हमारी उत्पादकता जो है वो बहुत कम है। आप अगर जो अन्य देशों की तुलना करेंगे, जो विकसित देश है वहां पे वहां की उत्पादकता बहुत ज्यादा है और हमारे देश की उत्पादकता बहुत कम है। छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। छोटे किसान अगर जो आपके पास भी 2 एकड़ जमीन है, 2 बीघे जमीन है, तो क्या करेंगे आप, कितना उत्पादन कर लेंगे? 2 बीघे जमीन है तो उसके लिए आप उच्च क्वालिटी की मशीन थोड़ी खरीदेंगे, आप ट्रैक्टर थोड़ी खरीदेंगे, पंपिंग सेट थोड़ी खरीदेंगे। पता चले कि जीवन भर आप ट्रैक्टर और पंपिंग सेट को खरीदने के लिए जो मूल्य दिए हैं वो मूल्य चुकाते ही रह जाएंगे, उतना इतना उत्पादन वहां पे हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, कि परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। भारत में कृषि की भारत में भूमि की उत्पादकता बिल्कुल कम है और ये एक अलग स्टेटमेंट है, और छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं, ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है, जो लोग ए कर रहे हैं क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, ठीक है, और छोटे किसान, तो अरे अरे भैया छोटे किसान भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी किसान होते हैं और बड़े किसान भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इससे कैसे कनेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक दी हुई आर्थिक स्थिति पैरेटो स्तंभ है यदि नीति में परिवर्तन। अच्छा सा प्रश्न है भाई, पैरेटो साहब को सुन लीजिए, पैरेटो साहब आते हैं बार बार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
पेरेटो साहब आ गए, कमेंट करके बता दीजिए पेरेटो साहब के बारे में क्या गलत है क्या सही है, क्या पढ़ते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों, इसके संबंध में जो थियरी देता है वो मार्शल साहब देते हैं, पीगू साहब देते हैं, और सर्वाधिक प्रचलित थियरी जो होता है वो पेरेटो साहब देते हैं। पेरेटो साहब कहते हैं कि अगर जो दो स्थितियां है, एक ए है एक बी है, तो ए को बेहतर बनाना है तो बी के कल्याण में कमी लानी होगी, ठीक है। मतलब अगर जो एक को बेहतर बनाना है तो दो एक के कल्याण में कमी करनी पड़ेगी, मतलब एक को कुछ देना है तो दूसरे से कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन इसी के बाद पेरेटो के बाद जब हिक्स और एलन आते हैं, हिक्स और एलन आते हैं, तो हिक्स और एलन बोलते हैं कि नहीं भैया, ये जो ए है वो लाभ भी प्राप्त करेगा और बी की क्षतिपूर्ति भी कर देगा, मतलब बी को हानि भी नहीं होगा। उसके बाद कौन आता है, सीटोवास्की साहब आते हैं, ठीक है। ये सारे क्रम आपको याद आने चाहिए। अगला प्रश्न चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, निम्नलिखित कदमों पर विचार करके और बता दीजिए कि चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहेगी, क्या उत्तर होगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बिल्कुल, ये प्यारा सा प्रश्न है, जो करेगा अच्छे से वो बहुत अच्छा करेगा, है ना। क्या उत्तर होगा सर, कोई भी ऐसा है जो इस प्रश्न का उत्तर ठीक करेगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, श्रम की बचत करने वाली तकनीकी प्रगति के कारण, ये कहीं श्रम की बचत की बात करते हैं क्या, ये जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे वो श्रम की बचत करने वाली तकनीकी प्रगति की बात करते हैं क्या, कहीं भी ये बात करते हैं क्या, कहीं नहीं करते हैं भैया, इनकी थियरी को आप पढ़िए, कहीं नहीं करते, ऐसा कहीं नहीं बोलते हैं कि श्रम को की बचत करने वाली तकनीकी हमको चाहिए जिससे हम श्रम को बचा पाए, ऐसी कहीं बात नहीं करते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी का विकास इसलिए करना है ताकि श्रम को बचाया जा सके, श्रम को कम किया जा सके, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बोला है, बिल्कुल गलत। वस्तुओं की मांग में अपर्याप्तता के कारण, नहीं भैया, वस्तुओं की मांग की अपर्याप्तता के कारण भी नहीं है, अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र क्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के कारण, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी तब बनी रहेगी जब अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता क्रिया में सरकारी हस्तक्षेप हो, मतलब उन्होंने कहा था कि ना अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो सरकार क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, तो बेरोजगारी की स्तर बनी रहेगी, तो फिर न सी होगा, न फिर बी होगा, न फिर ए होगा, फिर क्या होगा, फिर डी होगा। तो जितने लोग भी डी बोलते हैं सर, सभी लोग का उत्तर है आपको बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, आज का सेशन, आज के सेशन में कंसंट्रेट होके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है वो काफी स्टैंडर्ड प्रश्न है आज के, और एक एक चीजों को बारीकी से देखने की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब विनिमय दरें स्थिर हों और देश के भुगतान संतुलन में पूर्ण रोजगार के स्तर पर आधिक्य हो,
परिणत होता होगा, मतलब परिणाम स्वरूप क्या होगा? चलिए सर बता दीजिए, देश में क्या है? देश में देखिए सर, पूर्ण रोजगार का स्तर विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब विनिमय दर स्थिर हो, मतलब विनिमय दर का कोई इशू नहीं है, वो स्थिर है, और देश के भुगतान संतुलन में पूर्ण रोजगार के स्तर पर आधिक्य हो, ठीक है, तो इजी सी बात है दोस्तों कि पूर्ण रोजगार के स्तर पे आधिक्य हो, इसका मतलब क्या होगा कि मुद्रा की जो पूर्ति होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। मुद्रा पूर्ति में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। और अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी सर, तो ऐसी स्थिति में आपको पता ही है कि मुद्रा और कीमत में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोग मांग करेंगे तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगा। सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हैरड उमर मॉडल के अनुसार दिए गए सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात में अभिष्ट वृद्धि दर निर्भर करता है। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ याद आया कि नहीं आया? इससे कुछ याद आया? अभिष्ट वृद्धि दर किस पे निर्भर करती है? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर, बचत आय अनुपात पर। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और बचत आय अनुपात को GW=CR से दोस्तों इंडिकेट किया जाता है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हैरड उमर मॉडल के अनुसार दिए गए सीमांत पूंजी अनुपात में अभिष्ट वृद्धि दर जो होगी वो बचत आय अनुपात पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न, J.R. हिक्स के अनुसार तकनीकी प्रगति तटस्थ कही जाती है। यदि तकनीकी प्रगति तटस्थ कही जाती है, तटस्थ का मतलब क्या कि नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? अब अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हिक्स को अच्छे से तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, रट्टा मार के नहीं हो पाए। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए सर, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि J.R. हिक्स के अनुसार तकनीकी प्रगति तटस्थ कही जाती है यदि यह श्रम और पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता को उसी अनुपात में बढ़ाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मतलब अभी तो यही है ना। तो J.R. हिक्स के अनुसार तकनीकी प्रगति तटस्थ कही जाएगी यदि श्रम और पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता को उसी अनुपात में बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुज़नेटस के अनुसार विकास की प्रक्रिया में आय असमानताओं की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। और देखिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं और मतलब अमूमन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी फीस 2000 रुपए कुछ कम कर दीजिए। अरे भैया, मैं आपको 2000 रुपए में लाइफ टाइम की वैलिडिटी दे रहा हूँ। तो अगर जो सोचिए कि आप एक साल भी पढ़ लेंगे ना, तो पर महीने की जो आपकी फीस होगी 150 रुपए के आसपास होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि 6 महीने आप कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सिलेक्शन मिल गया तो भी। तो यार, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरा आपको मैं वहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, करेंट दे रहा हूँ। इतना दोस्तों क्या बोलते हैं कि कम फीस आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी इतनी सुविधाओं के साथ, ठीक है। आप हमारे साथ तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। आप
बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जितना मेरे द्वारा करवाया जा रहा है उतना आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अरे भाई नौकरी लग जाएगी ना, तो हर महीने आप क्या करेंगे, कम से कम 60-70 हजार रुपए पे सैलरी पाएंगे। इट मींस कि 30 दिन का 60 हजार रुपए पाएंगे कम से कम, एक दिन में मतलब 2 हजार रुपए कमा लेंगे, और फिर आप पूरी जिंदगी भर 2-2 हजार रुपए एक दिन में कमाते रहेंगे। तो यार पढ़ना है अगर जो कुछ सीखना है तो यार कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, है ना, इस बात को समझा करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सैलरी मिलेगी 60 हजार ना। पीजीटी की बात करें तो 60-70 हजार रुपए सैलरी आपको बहुत आराम से मिलेगी, तो एक दिन का 2 हजार रुपए आपका हो गया, ठीक है। तो यार कुछ सीखने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, मांग पूर्ति पढ़ते हैं ना, ठीक है, डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो पढ़ा जानते ही है, हमें भी संस्था चलानी है। तो कुजनेटस के अनुसार विकास की प्रक्रिया में आय असमानताओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 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 तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कि पहले बढ़ने और फिर घटने की होती है, ठीक है। तो कुजनेटस के अनुसार विकास की प्रक्रिया में आय असमानता की प्रवृत्ति क्या होती है, पहले बढ़ती है, अर्थात कुजनेटस साहब कहते हैं कि अगर जो कोई देश क्या करता है कि आर्थिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, तो प्रारंभ में क्या होता है कि जो बहुत धनवान व्यक्ति होता है या कुछ लोगों को ही क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन दीर्घ काल में क्या होता है, लंबे समय में ये सारी विषमता जो होती है वो खत्म होने लगती है और जो गरीब वर्ग होता है उसको भी लाभ मिलने लगता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, श्रम की पूर्णता लोचदार पूर्ति की निर्णायक भूमिका निभाती है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, लेकिन अगर जो कंसंट्रेट होके इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत आसान है ना, कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत आसान है। श्रम की पूर्णता लोचशील पूर्ति की निर्णायक भूमिका निभाती है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सबको आ रहा है क्या ये प्रश्न, अगर जो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेविस साहब ने क्या कहा था कि एक जो अल्प विकसित देश होता है उस देश में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है कृषि क्षेत्र और दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ उद्योग होता है। तो इस कृषि में क्या पाया जाता है, श्रम का अतिरेक पाया जाता है, श्रम का क्या पाया जाता है, अतिरेक पाया जाता है, अर्थात जितने श्रमिकों की यहाँ पे जरूरत होती है उससे ज्यादा श्रमिक होते हैं, ठीक है, कृषि में जितने श्रमिकों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एक्स्ट्रा लोग कृषि में है ना, उनको आप क्या कर दीजिए, उद्योगों की तरफ भेज दीजिए, और यहाँ पे जैसे ही कृषि क्षेत्र में जो अतिरेक होगा वो शून्य हो जाएगा और उद्योगों की तरफ लोग चले जाएंगे, तो देश जो होगा वो आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होगा। अगला, भारत चाय का बड़ा निर्यातक है और साइकिल का छोटा निर्यातक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है कथन सत्य है, बताइए सर क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहे भाई, ठीक
है, क्या उत्तर होगा? कि भारत चाय का बड़ा निर्यातक है और साइकिल का छोटा, मतलब चाय ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, मतलब अपने देश में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है और भारत जो है वो दूसरे देश को चाय ज्यादा निर्यात करता है, मतलब दूसरे देश में ले जाकर के बेचता है। लेकिन साइकिल हम कम बेचते हैं, साइकिल कम हम निर्यात करते हैं। तो इस क्या होगा भाई? कोई क्लू है किसी के पास? कोई क्लू है? कोई क्लू है सर? कोई किसी के पास क्लू है? अरे भाई, जब भारत ज्यादा चाय को बेच रहा है, मतलब चाय ज्यादा निर्यात कर रहा है, तो साइकिल पर निर्यात उपदान विश्व साइकिल बाजार में भारत की व्यापार शर्तों को सुधारेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि साइकिल पर निर्यात उपदान विश्व साइकिल बाजार में भारत की व्यापार स्थिति को सुधारेगा। इस प्रश्न की गहराई को आप समझ रहे हैं? इस प्रश्न की गहराई को आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस प्रश्न की गहराई ये है कि जो साइकिल होता है ये एक पूंजी प्रधान उद्योग है, पूंजी प्रधान उद्योग है। कंपेयर टू चाय के उत्पादन में उतना क्या होता है कि चाय के उत्पादन में उतनी लागत नहीं लगती है जितनी लागत जो होती है वो साइकिल के उत्पादन में लगती है। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो साइकिल पर निर्यात उपदान विश्व साइकिल बाजार में भारत की व्यापार शर्त को इसलिए सुधारेगा क्योंकि साइकिल जो होता है ये एक पूंजी प्रधान उद्योग होता है। ठीक है, क्योंकि और जब ये मार्केट विश्व मार्केट में दोस्तों जब ये जाएगा तो इसकी निर्माण लागत जो है वो ऊंची होगी, और जब निर्माण लागत इसकी ऊंची होगी तो ऐसी स्थिति में इसकी जो कीमत होगी वो भी ऊंची होगी। चाय की अपेक्षा में साइकिल तो ज्यादा कीमती होगा ना सर? होगा कि नहीं होगा? चाय 1 केजी कितने में बिक जाएगा? मान लीजिए चाय 1 केजी बिक जाएगा कितना? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पर केजी के हिसाब से चाय बिक जाएगा। लेकिन अगर जो एक साइकिल बिकेगा तो कम से कम कितने का बिकेगा? 5,000 का बिकेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसकी कीमत क्या हो जाएगी? विश्व बाजार इसकी कीमत ऊंची हो जाएगी, और फिर हम निर्यात सब्सिडी देकर साइकिल मूल्य में कमी ला करके इसकी साइकिल के मूल्य में कमी ला करके इसकी मांग को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न सर, एक स्वतंत्र तैरती विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है? भारत की विनिमय दर प्रणाली कैसी है, बताएंगे आप मुझे? ठीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कहिए ना सर कि देखिए, तैरती हुई विनिमय दर जो होता है उसमें क्या होता है कि बाजार की शक्तियों के आधार पर, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही तो विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। लाइक जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, सिलेक्शन मिलेगा आपको तो इतना आउट एरिया मिलेगा ना कि फिर समझ लीजिएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा तो बहुत आउट एरिया आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इस बात को समझ लीजिए। लाइक नहीं कर रहे हैं तो, और लाइक कर रहे हैं तो फिर एकदम शहर में ही आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, नौकरी के बाद क्या होता है ना, जब नौकरी मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने एक लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को देखी है कि
जब नौकरी मिल जाती है ना तो जिंदगी का असली स्ट्रगल इनका प्रारंभ हो जाता है। लोग 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर रोज अप डाउन करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर टैक्सी के माध्यम से या बस के माध्यम से, है ना। तो सही जगह पे स्कूल आपका मिल जाए ये भी बहुत भाग्य की बात होती है ना। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, बॉमोल और टोबिन की बात कर रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं सर। कि वह सिद्धांत जिसमें मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, तो ये जेम्स टोबिन और बॉमोल साहब बोलते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है बता दीजिए। स्फीतिकारी अंतराल की बात कौन करता है सर? केंद्र साहब करते तो हैं। नगद संतुलन उपागम की बात कौन करता है? पीगू साहब करते तो हैं। त्वरक गुणक विश्लेषण थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हिक्स साहब करते तो हैं। विनिमय का समीकरण मार्शल साहब थोड़ी देते हैं, विनिमय का समीकरण तो हमारे फिशर साहब देते हैं ना सर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। आसान सा प्रश्न है भाई, आसान सा प्रश्न है। जितने लोग लाइव क्लास देखते हैं उतना भी लाइक नहीं है। अगला बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? आप कहेंगे सर आसान सा प्रश्न है ना, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अधिकतम सामाजिक लाभ, सरकार क्या करता है? सब पर टैक्स लगाता है, लोगों से टैक्स लेता है और करारोपण के माध्यम से सरकार आय प्राप्त करता है। जब सरकार को पैसा मिल जाता है तो वो समाज पे ही क्या करता है? व्यय करता है। ठीक है, तो यहाँ से अमीरों से ज्यादा आय अर्जित करके गरीबों पर ज्यादा व्यय करता है, जिससे समाज का क्या होता है? लाभ होता है और सभी वर्ग को उत्थान करने का मौका मिल जाता है। डी बिल्कुल ठीक है। अगला, करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है और जो लोग भी रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए प्रयास करना है तो पूरा पूरे ऊर्जा के साथ प्रयास करें, है ना। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के लाखों लोग पड़े हुए हैं जो सप्ताह में 3 दिन पढ़ते हैं और 3 दिन आराम से अपना काम करते हैं। कोई ना कोई बहाने बना लेते हैं कि आज उनके यहाँ जाना था, कल उनके यहाँ जाना था, आज ये किया, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बरसात है, बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे एक्सक्यूज आपके पास। तो अगर जो सप्ताह में 3 दिन पढ़ के आप सोच रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि आपके जैसे लाखों लोग पढ़े हैं जो आप ही के जैसे पढ़ते हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो ज्यादा लगा रहेगा, ज्यादा निरंतर पढ़ता रहेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, है ना। आप ज्यादा पढ़ेंगे तभी जाके आपको क्या होगा, कहा जाता है ना कि ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है। वो लड़का ब्रिलियंट इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत किया होता है, वो ज्यादा तैयारी किया होता है। ठीक है, तो लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आधा अधूरा प्रयास में जिंदगी में असफल हो जाएंगे, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बोल रहे हैं असमान सीमांत त्याग के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थात करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है, मतलब समाज लोग न्याय कब होगा? तभी तो होगा जब लोगों की सीमांत त्याग क्या हो, बराबर हो। अर्थात अगर जो एक अमीर है और एक गरीब है, तो अमीर से भी उतना ही पैसा लिया, अमीर से पैसा जब लिया जाए तो उसको अगर जो एक्स त्याग वो करता है, तो गरीब से भी जब पैसा लिया जाए तो वो एक्स के बराबर ही त्याग करे। ठीक है, दोनों का त्याग सीमांत त्याग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगला,
शादी की पार्टी करनी होती है सर इस टाइम। अच्छा भैया अनिश पांडे जी, अरे ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे की पार्टी करते करते कहीं देखिएगा कि अपनी समस्या क्रिएट ना हो जाए, है ना। तो ऐसा वर्तमान समय में हो रहा है कि आप दूसरे की शादी अटेंड करेंगे फिर अपने मुश्किल में पड़ जाएंगे, सही समय पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि प्रोफेसर एसी पीगू का विश्वास था कि निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पाद में भिन्नता, जो कि निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों में भिन्नता उत्पन्न करती है, को घटाया जाता है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। कि प्रोफेसर पीगू का विश्वास था कि निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पाद में भिन्नता, जो कि निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों में भिन्नता उत्पन्न करती है, को घटाया जा सकता है इसके द्वारा बाजार तंत्र के द्वारा जो क्रियाशील होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज से 10 साल पहले ये बात मैटर करता था कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी काम के आदमी हो जाएंगे, तो लोगों को लगता था कि हाँ आप अच्छे हैं कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर जो आप आज वर्तमान समय में आप तैयारी कर रहे हैं तो समाज को यही लगता है कि यार कुछ नहीं है इसके पास, है ना। उनको यही लगता है कि यार ये असफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम तो IAS की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, PGT की तैयारी करते हैं, TGT की तैयारी करते हैं, तो कोई लोड नहीं लेने वाला है आपका, कहेंगे यार कुछ नहीं किया जीवन में फिर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। किसी क्षेत्र में एक अकेला शीतागार के सामने किसान एक लंबी कतार का उदाहरण है। बहुत अच्छी बात है सर, ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सब गलत होंगे, सब गलत होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोलेगा और सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर क्या कर रहा है, सही कर रहा है। एक लोग बस कर रहे हैं, एक लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, एक ही लोग बोल रहे हैं, लाल बहादुर जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक किसी क्षेत्र में एक अकेला सीतागार के सामने, सीतागार का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सीतागार मतलब जो एक तरीके से चीजों को क्रय करता है। ठीक है, सीतागार का मतलब कि जो क्रय करने वाला है, जो वस्तुओं को क्रय करता है, के सामने किसानों की एक लंबी कतार है। मतलब किसान बहुत सारे हैं, मतलब विक्रेता जो है वो बहुत सारे हैं, विक्रेता जो है वो क्या है, बहुत सारे हैं, विक्रेता ज्यादा हैं, बहुत सारे लाइन में खड़े हैं, और क्रेता कौन सा है, एक है, एक क्रय करने वाला है, तो एक क्रेता अधिकार हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा सर, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैमुएलसन द्वारा प्रतिपादित प्रकट अधिमान सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता सही नहीं है। ठीक है, नहीं, वो किसान खड़े हैं लाइन में, ठीक है, वो बेचने के लिए खड़े, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे है कि उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अधिकतम वस्तुओं के संयोग को कम की तुलना में पसंद करते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है,
पीसी सैमुएलसन द्वारा प्रतिपादित प्रकट सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो मान्यता ये नहीं है कि उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अधिक वस्तुओं के संयोग को कम की तुलना में पसंद करते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता को योगात्मकता आधारित है। देखिए आज का सेशन बहुत कठिन था, अभी भी मतलब क्लास तो चलती ही रहेगी, लेकिन आप क्लास को एक बार पुनः जरूर देखिएगा, दो बार इस क्लास को देखिएगा, बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मार्शल साहब की बात किया जाए दोस्तों, तो जो उपयोगिता की थियरी उन्होंने बताई थी उसमें क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था ना कि उपयोगिता जो है वो मापनीय है। उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, अर्थात उपयोगिता को गणनावाचक रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि उपयोगिता की गणना वाचकता तथा स्वतंत्रता की मान्यता पे, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था ना कि उपयोगिता को ठीक है। अगला प्रश्न, हमारे परिचय के एक लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2,000 रुपए के नोट हैं, अभी मैसेज आ रहा हूँ, 2,000 रुपए के नोट हैं क्या करें? तब इतने लोग पैनिक हो जाएंगे, अरे भाई कुछ नहीं करना है, 2,000 रुपए का नोट है तो बैंक में जाइएगा वो बदल लिया जाएगा, आपको 500-500 के 4 नोट दे दिए जाएंगे, एक नोट आपकी 2,000 रुपए की बैंक रख लेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि फर्म के समक्ष मांग वक्र इकाई लोच वाला होता है। नहीं सर, ये इकाई लोच वाला थोड़ी होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग का दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होता है। ठीक है, और कोई, और कोई, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग का दीर्घकालीन औसत लागत बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। शून्य आर्थिक लाभ की स्थिति में न तो किसी भी विद्यमान फर्म के बहिर्गमन की प्रवृत्ति होती है और न ही कोई संभावित प्रवेशक उद्योग में प्रवेश करना चाहता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। थोड़ा सा आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होके इस प्रश्न को पढ़ना था, अदरवाइज इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक बाजार स्थिति में फर्म कीमत उत्पाद निर्णयों में परस्पर निर्भर होती है? कौन सी एक ऐसी स्थिति होती है सर जहां पे जब फर्म कीमत का निर्धारण करता है तो एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं? क्या उत्तर होगा भाई ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे सर जी अल्पाधिकार होता है, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार के अंतर्गत ही तो क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ना कि जब कोई एक कुछ फर्में होती हैं, जब कोई एक फर्म क्या करेगी, कीमतों में नियंत्रण कीमतों में या उत्पादन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगी तो दूसरी फर्में भी क्या करेंगी, दूसरे फर्में भी इसमें परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगी, और अगर जो ऐसा हुआ तो आगे जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा युद्ध। कौन सा युद्ध? कीमत युद्ध। और कीमत युद्ध में किसी का भी क्या होता है, भला नहीं होता है। अगला, की स्फीति संबंध प्रतिरोध स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है सर, सबको पता होना चाहिए, इजी सी बात है,
जब आपके अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी होती है, अर्थात बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला जाता है और उच्च रूप से मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भी बढ़ती चली जाती है, अगर जो बेरोजगार बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं और महंगाई ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्टेगफ्लेशन की स्थिति बोलते हैं इसे दोस्तों। ठीक है, अगला बता दीजिए भाई, कथन कारण डे है क्या आज? कथन और कारण से बहुत सारे प्रश्न है। और दोस्तों जिन लोगों ने भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया, आप जरूर ज्वाइन करिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से वहां पे पढ़ते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स, सब कुछ दिए जा रहे हैं यार, कहाँ से प्रश्न पूछेगा। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आया भाई? डी ए। इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हैं? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा सुस्पष्ट प्रमाणित नहीं होता है कि आय या प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर तथा योजना के द्वारा प्रयुक्त संसाधन धनात्मक रूप से संबंधित है। तो ये बात तो भैया बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये बात तो 100% गलत हो जाएगा कि एक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है में सुस्पष्ट प्रमाणित नहीं होता है कि आय या प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर तथा योजना द्वारा प्रयुक्त संसाधन धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। क्यों नहीं होता है भैया? आप देखते हैं ना कि हम प्रति व्यक्ति आय तो निरंतर निकालते ही रहते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है कि हम जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसमें सहसंबंध होता है ना। जब हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि उत्पादन का स्तर बढ़ता है, और जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश जो होगा वो क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। योजना मॉडल असंगत होते हैं जब तक कि वे रैखिक प्रोग्रामिंग तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। रैखिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ेगा। अगला आज का सेशन जो है वो कुछ ऐसा है, चलिए, जो आपके धैर्य को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। कथन दिया गया है कि अन्य मदों के समान रहने पर यदि सरकारी व्यय तथा करारोपण समान मात्रा में बढ़ाए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था का संतुलन आय आय समान बना रहेगा। क्या ये बात ठीक है? और कारण दिया गया है कि एक समान कर की मात्रा की तुलना में सरकारी व्यय में दिया गया एक परिवर्तन समग्र व्यय को अधिक प्रभावित करता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, पूरा प्रश्न नहीं आ रहा क्या? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, अच्छा, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जो कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए कर दे रहा है या ऑप्शन नंबर बी कर दे रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही सही हो जाता है। अरे भाई थोड़ा सा पढ़िए, तो आराम से पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। देखिए क्या हो रहा है कि अन्य मदों के समान रहने पर यदि सरकारी व्यय तथा करारोपण समान मात्रा में बढ़ाए जाए, मतलब सरकार जितना व्यय कर रही है उतना ही टैक्स बढ़ा दे, तो अर्थव्यवस्था का संतुलन आय समान बना रहेगा। संतुलन आय से क्या मतलब है सर? संतुलन आय क्या होगा? संतुलन आय क्या हो जाएगा यार? देखिए कितनी छोटी सी बात है, इस बात को आप पकड़ नहीं पा रहे। आपको ये पकड़ना है इस बात में कि अगर जो सरकार व्यय ज्यादा करेगी, ठीक है, सरकार अगर जो व्यय ज्यादा कर रहा है तो सरकार व्यय ज्यादा करने के लिए ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ा रहा है, तो सरकार क्या कर रहा है कि
आय प्राप्त करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा रहा है। तो जब सरकार टैक्स बढ़ा रहा है भैया, तो अब क्या हो रहा है कि लोगों की जो निवेश क्षमता होगी वो क्या होगी यहाँ पे, कम हो जाएगी ना। निजी निवेशकों की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो ये क्या होगा, ये असंतुलित हो जाएगा ना सर। ये अर्थव्यवस्था का संतुलन आय समान थोड़े बना रहेगा, ये असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सरकार एक तरफ व्यय कर रही है, तो इससे बहुत बड़े जो बहुत ज्यादा जो अमीर है इस व्यय से उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा त्याग जो करेगा वो अमीर वर्ग ही करेगा, सबसे ज्यादा अमीर वर्ग ही टैक्स के रूप में अपने आय को त्यागेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि ए गलत है आर सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो एक समान कर की मात्रा की तुलना में सरकारी व्यय में दिया गया एक परिवर्तन समग्र व्यय को अधिक प्रभावित करता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची वन सूची टू के साथ, बिल्कुल ठीक है। सूची वन सूची टू के साथ सुमेलित कर दीजिए सर। इन साहब किससे संबंधित हैं, इन साहब तरलता जाल से संबंधित है, और कोई मोदी की लियानी साहब जीवन चक्र परिकल्पना, एक व्यक्ति की जो आय होती है, एक व्यक्ति का जो व्यय होता है उसके पूरे जीवन काल में जो आय प्राप्त होता है उसके कारण निर्धारित होता है। हिक्स साहब क्या बोलते हैं दोस्तों, हिक्स साहब आईएएस बकरे, पीहू साहब मुद्रा विवरण की बात करते हैं। ग्रेसम का नियम क्या बताता है सर, ग्रेसम का नियम ये तो सबको पता होगा, ग्रेसम का नियम क्या बताता है भाई, आप कहेंगे सर जी ग्रेसम का नियम हमें ये बताता है कि बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है, जिसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहे ना, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इकोनॉमिक्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीजें दी जा रही हैं। यहाँ को आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ये सारी चीजें एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको दी जा रही है ताकि आप बेहतर ढंग से तैयार हो सके। टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितना और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहा है, किस यूनिट को पढ़ने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैं दे रहा हूँ आपको, और दोस्तों आपका करेंट भी दोस्तों मैं कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर होने वाला है। और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम है, इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही हैं। झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ चुका है, तो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश टेट की दोस्तों क्लासेस चल रही है, मध्य प्रदेश सेट की क्लास चल रही है, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही है, और अलग अलग क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस बहुत कम है, एडमिशन की फीस मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। ठीक है, तो आपको सिंपली दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा। और
इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। मिलते हैं हम लोग कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।